Hello everyone, welcome to Target IAS. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019 and also got selected in UGC पर मैंने ज्वाइन नहीं किया. So let's start with the machine design next topic that is design of flat collar bearing. हमने last topic में what type of bearings are we are going to study उसके बारे में बात की थी and also different types also. So और उसके बाद हमने जो इसके पहले का वीडियो था just उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग के बारे में बात भी की थी. ओके, अब हमें न्यूमेरिकल पार्ट कवर करना है हर एक बेरिंग का. सो उसमें काफ़ी सारे डेरिवेशंस होंगे, काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं. सो लेट्स सी द टॉपिक इज डिज़ाइन ऑफ फ्लैट कॉलर बेरिंग. ओके, सो इन फ्लैट कॉलर बेरिंग दिस पार्ट इज नोन एज कॉलर. ओके, जो ये ब्लैक पार्ट है ये शाफ्ट है आपका. ओके, यहाँ से लोड आ रहा है एंड ये बेरिंग पार्ट है जो रेड पार्ट है, दिस वन. ओके, दिस इज द बेरिंग पार्ट एंड दिस इज योर शाफ्ट. और हमने ये यहाँ पर कॉलर लगाया सो दैट दिस बेयरिंग विल सपोर्ट बाय दिस कॉलर. सो ये शाफ्ट को कैसे बेयरिंग सपोर्ट करा है बाय यूजिंग दिस कॉलर. सो इसको डिराइव करने के लिए फर्स्ट लेट्स सी द टर्मिनोलॉजी. सो आर नॉट इज द आउटर रेडियस ऑफ द कॉलर, सो दिस इज द आउटर रेडियस. देन आर आई इज द इनर रेडियस ऑफ द कॉलर, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ शाफ्ट. देन बी इज द थिकनेस ऑफ द कॉलर, सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द कॉलर. Sorry, width of the collar. B is the width of the collar and T is the thickness. This is the thickness and W is the axial thrust. जो axial thrust लग रहा है. So why we want to support the shaft because axial thrust is there. If there is no bearing then shaft will displace. So उसके लिए हमें ज़रूरी है. Now ये जो diagram है ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको. Why? Because this black part is bearing but if you see this red part is bearing. Okay, अगर मैं अलग अलग बनाऊँ तो bearing is like this. Okay, this part is bearing and your shaft if you see ना, so ये जो आपका shaft है वो कुछ ऐसा ही रहेगा. Shaft will be also the whole, sorry, the middle part is the shaft and this part is the your collar. Okay, so collar overlaps with the bearing. So उसलिए हमने उसको उस टाइप से थोड़ा बनाया है. Now if we increase the load, then you can see that either we have to increase this radius, okay, because the shaft radius is fixed, we have to increase the collar radius, or the thickness we have to increase the thickness. This is thickness, right? और अगर हम रेडियस सेम रखेंगे तो हमको थिकनेस इंक्रीज करना पड़ेगा. बट देर आर सम कंस्ट्रेंट, इफ देयर इज अ रेडियल स्पेस कंस्ट्रेंट सो नंबर ऑफ कॉलर इंक्रीज करते हैं. जनरली हम ये प्रेफर करते हैं नंबर ऑफ कॉलर को. ओके, नंबर ऑफ कॉलर इंक्रीज करना बिकॉज यू कांट इंक्रीज थिकनेस अप टू सर्टन अमाउंट. और आप अगर रेडियल है, मान लीजिए आर नॉट की वैल्यू 50 mm से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. सो उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते बिकॉज देयर इज़ अ रेडियल कंस्ट्रेंट, स्पेस कंस्ट्रेंट. सो इसलिए हम जो ये नंबर ऑफ कॉलर जो है मल्टी कॉलर यूज़ करते हैं. सो लेट्स फर्स्ट डिज़ाइन अ सिंगल कॉलर बेरिंग. सो इन सिंगल कॉलर बेरिंग दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड दिस इज़ योर कॉलर एंड दिस इज़ बेयरिंग. द रेड पार्ट इज़ बेयरिंग, ओके, बेयरिंग एंड दिस इज कॉलर. ओके, लेट्स सपोज हमने एक एलिमेंट लिया है, दिस इज ऑन कॉलर एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस आर. सो यहाँ से कोई एक आर डिस्टेंस पे लिया है एंड इट्स थिकनेस विल बी डी आर. ओके, सो नाउ हमें ये जो रेड है, ये वाला जो रेड पार्ट है एलिमेंट, वी हैव टू सी वॉट इज हैपनिंग ऑन दिस पार्ट. ओके, सो लोड एक्टिंग ऑन एरिया, इफ वी सी द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड on this whole part, right? Load will be distributed on this whole collar. अगर ये हमारा collar है, ये ऊपर एंड ये नीचे, so इस पूरे part में होगा. Okay, and it will make a circle. इस type से कोई circle बनेगा, ये पूरे part में load distribute होगा. But we have taken just an strip. Okay, so either the load can be distributed uniformly or not. So uniformly है कि नहीं है वो तो हम बाद में देखेंगे. But yeah, load will be distributed. So how the load will be distributed? हमने assume किया that this element contains a part of a load. उसको हम denote करें dw से and 2 pi r is its circumference and dr is its very small thickness and p is the pressure induced in this. So this is area, this is pressure, that can be equals to load. Okay. Now if you want to find the total load, then we have to integrate it. And so this is from the 0 to W and this side the integration, the right hand side integration will be from small radius, that is shaft radius or inside radius of collar to the outer radius of the collar. अब हम यहाँ पर दो थ्योरी पढ़ेंगे जो कि पॉपुलर थ्योरी है, उसके अलावा भी हैं काफ़ी सारी, बट हमें सिर्फ दो पढ़नी है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। ओके, सो इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी योर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। ओके, सो प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड इफ यू सी 2π इज कॉन्स्टेंट, p इज कॉन्स्टेंट, r इज नॉट कॉन्स्टेंट, r इज वेरिएबल। सो r को हमने अंदर ही रखा है। नाउ यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस पार्ट। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा r नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2। From here, if you find the P, that is P induced. This is the P induced, right? This is induced pressure is due to this load. So P induced equals to W upon this 2 and this 2 will be cut by R naught square minus R I square. So ये area कौन सा है? ये पूरा area है, collar का area, okay? Except shaft. So P induced will be this. Now अगर ये तो हमने P induced find कर लिया, but let's say collar हमने जो material use किया है for the material collar material, we know that what is the maximum permissible pressure it can induce. So we know that P permissible and we know that P induced should be less than that, right? P induced should be less than that. So उसके लिए हमने जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? W, the load that you can apply, load should be less than this load, this side load. So we can find that the maximum load, maximum load क्या होगा? Maximum load will be equals to this. So ये maximum load हो गया आपका pi r naught square minus r square and p permissible. If the pressure induced here is less than p, then w is w less than w max. So वो fail नहीं होगा, मतलब जो हमारा maximum load, जो load apply हो रहा हो maximum load से कम है। So हम अभी safe condition में चल रहे हैं। ओके, सो ये हो गया मैक्सिमम लोड फाइंड करने का तरीका। बट एज यू कैन सी यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, राइट? हेयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज देयर, दिस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड योर शाफ्ट इज रोटेटिंग। सो यहाँ पर कुछ तो फ्रिक्शन आएगा एंड ड्यू टू फ्रिक्शन कम्स इन पिक्चर, देयर इज पावर लॉस। पावर लॉस होगा ही होगा। सो फ्रिक्शनल टॉर्क एंड लॉस, इफ यू एज्यूम ना, फ्रिक्शनल टॉर्क एंड लॉस। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द फ्रिक्शनल टॉर्क एंड देन वी विल फाइंड द पावर लॉस। सो we take the same element, okay, at a distance r dr. We know that the frictional force at a ring element is equals to mu, the coefficient of friction, into rn, that is reaction force. So whatever the load that the collar will apply on this bearing, the same load will be applied by the bearing on the collar, okay, equal and opposite reaction. So rn is equals to reaction force, df equals to mu rn. So rn is equals to dw, so mu dw. And we know that from above that dw is equals to 2 pi rp into mu into dr, right? क्योंकि ये सॉरी यहाँ पर mu नहीं आएगा, दिस पार्ट ओनली, 2 pi rp into dr, राइट? सो अब यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स? सो वी कैन राइट dff इक्वल्स टू mu into 2 pi rp into dr, राइट? ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, दिस पार्ट। एंड वी नो दैट व्हाट विल बी द टॉर्क? टॉर्क विल बी, यहाँ पर कुछ तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन, लेट्स से फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज योर आर, दैट इज डिस्टेंस एट विच अ फोर्स इज अप्लाइंग। सो टॉर्क इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर, दिस इज फ्रिक्शनल टॉर्क। सो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो इस व्हेन वी विल राइट दिस, तो हमारा जो स्मॉल टॉर्क उस एलिमेंट के कारण लग रहा है वो ये आ जाएगा, राइट? दिस इज ड्यू टू दैट एलिमेंट। सो डी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर पी इंटू म्यू डी आर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल टॉर्क। सो फॉर टोटल टॉर्क हमने यहाँ पर अभी कौन सा यूज कर रहे हैं थ्योरम? हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा हो गया? 2 is the constant term, pi is the constant term, p is the constant term and mu is the constant term. r square is not a this, r square and dr ये constant terms नहीं है। So using r square and dr हम इसको integrate करेंगे and we will get here r naught cube minus r i cube by 3. So 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया and your total torque will be this. This is your total torque. Okay? Now अगर मैं यहाँ पर p को हटा दूँ, इफ अगर हम ऊपर से आप देखेंगे तो p हमारा क्या आया था यहाँ पर? देखिए here योर p इज w अपॉन पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ पर p को रिप्लेस करूँ, इफ आई रिप्लेस p हियर, p इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। वी हैव टू रिप्लेस दैट हियर। So your formula become this. Sorry, your formula will be this. So ये हमारा formula हो जाएगा जो कि final formula है. 2/3 mu w r naught q minus r i q अपन r naught square minus r i square. So ये जो formula है इसको हम इस term में लिखते हैं generally where t is equals to mu w r and r is equals to 2/3 r naught q minus r i q by r naught square minus r i square and this is known as effective radius. Okay, for this torque. So this is effective radius, not refractive, effective. So this is effective radius. Okay, and if you get the torque, okay, and you know the RPM, so from the RPM you can find the omega in the radian per second and then you can find the power loss. So इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और पूछे जाते हैं, so please इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, कुछ इसमें हमने बड़ी चीज़ नहीं की है. ओके, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट विच थ्योरम यू आर यूजिंग, आइदर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. सो अभी हमने जो भी देखा है वो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के बेस पे है. दिस वन इज बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. नाउ अब हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी पे आते हैं. यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, इन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी व्हाट यूनिफॉर्म वियर थ्योरी suggests that P induced, that the pressure induced is directly proportional to 1/r. So अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारा कॉलर है and as I move towards this end of the collar, so my radius is increasing, right? Radius is increasing from this axis of the shaft. So the pressure induced on this collar will decrease. ओके, बिकॉज दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट. सो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा प्रेशर का. ओके, यहाँ पर जीरो नहीं होगा बट या सम मिनिमम, हेयर पी मिनिमम एंड एट हेयर पी मैक्सिमम, बिकॉज एट दिस पॉइंट आर इज मिनिमम, एट दिस पॉइंट आर इज मैक्सिमम. सो पी इंड्यूस्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. इफ यू रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनैलिटी एंड वी विल गेट अ कॉन्स्टेंट. सो पी इंटू आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. वी नो दैट हमने ऊपर डिराइव किया था दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2πr पी इंटू डी आर. सो टू फाइंड द कंप्लीट लोड, इसमें कांस्टेंट क्या क्या हो गया, कांस्टेंट विल बी 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट एंड आर इंटू पी इज कांस्टेंट. नॉट ओनली पी एंड आर, देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. ओके, इंडिविजुअली वो कांस्टेंट नहीं है, देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. सो वी टेक आउट दिस एंड इफ व्हेन वी डिराइव दिस वी गेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2πr पी इंटू आर नॉट माइनस आर आई एंड फ्रॉम हेयर द पी वी इज P is equals to W upon 2πr r naught minus r i. So if you want to find P maximum will be when r is minimum, this part r, so r i r naught minus r i ये आ जाएगा. If P minimum find करना है हमें, so W upon 2π r naught minus r i. So ये हमें मिल जाएगा. Okay, and here P induced that is maximum, here maximum P induced, this is also P induced, this is also P induced, but which one is the maximum? This one. So P induced maximum should be less than P permissible. So here we can write that P induced here we can write that W by 2π r I by r naught minus r i should be less than P permissible. Okay, so यहाँ से हमें W max की वैल्यू आ जाएगी. W max will be equals to P permissible 2π r I r naught minus r I. Okay, so this is known as, this part is known as strength of collar. This is strength of collar by uniform wear theory. जो हमने ऊपर D max यहाँ पे फाइंड किया था, if you remember this one, this is strength of collar based on uniform pressure theory. Okay, so ये चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती हैं कि find the strength of collar using uniform wear theory, so you have to find d max. Okay, this d max. and कई बार आ जाता है कि uniform pressure theory strength of collar using uniform pressure theory, so जो हमने पहले find किया था वो आ गया. Okay, now द सेम हमने वहाँ पर फ्रिक्शनल टॉर्क एंड पावर लॉस वी हैव फाइंड इन द फर्स्ट क्राइटेरिया यूजिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्रिक्शनल टॉर्क एंड पावर लॉस यूजिंग यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी. सो वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दैट एलिमेंट विल बी म्यू इंटू आर एन, वेयर आर एन इज द रिएक्शन फोर्स, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू the load that is on that element. So load is 2 pi r p into r and into mu. Torque will be equals to, when we multiply by r, this force is multiplied by r. Okay, same. Now here we have to consider one thing. What are the constant? 2 is constant, pi is constant, mu is constant, and r into p is constant. But एक single r रह गया यहाँ पर, single r, that is not constant. Okay, as we know, p into r is constant for uniform wear theory. So when you integrate this, so यहाँ पर हमें ये part मिल जाएगा. TF is equals to mu pi pr into r naught square minus r square. और ये जो 2 आ गया, ये दोनों 2 कट हो गया है. Okay, so अब यहाँ पर जब हम p को replace करेंगे, अगेन टी को रिप्लेस करेंगे, सो वी गेट दिस फॉर्मूला, टी एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर नॉट प्लस आर आई बाई टू म्यू इंटू आर डब्ल्यू. यहाँ पर जो आर है इफेक्टिव, इफ यू कैन से इफेक्टिव रेडियस विल बी आर नॉट प्लस आर आई बाई टू. ओके, तो यहाँ से हमें टी एफ आ गया और जो पावर हमें मिल गया है, पावर विल बी दिस पावर लॉस इफ यू नो द आर पी एम. सो ये जो हमने इतना कुछ पढ़ा, ये अगर सब कुछ याद में नहीं रखे, जो लोग गेट के लिए पढ़ रहे हैं, ओके जो लोग गेट के लिए पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर ओनली स्टडिंग फॉर द गेट और जस्ट फॉर पी एस यू, सो जो अभी आपको याद रखना है, ये टेबल याद रखना है. ओके, सो फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, फर्स्ट पी इंड्यूस्ड कॉन्स्टेंट, हेयर पी इंड्यूस्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, राइट. हेयर पी इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, राइट. इन दिस केस पी इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय 2 pi r, r naught minus r. Here the third is, for safe condition, P induced should be less than P permissible. Here also, P induced should be less than P permissible. But in this case, you get 2 P induced. So maximum one, right? Minimum नहीं. Fourth one will be W max. यहाँ पे क्या आया था? W max is pi r naught square, that is collar area, into r i square into p permissible, because वो जो है constant force लग रहा है, constant pressure लग रहा है. यहाँ पर w max is 2 pi r i into r naught minus r i into p permissible, right. Here your this torque is mu into r effective into w, where r effective is 2 by 3. हेयर 3, तो ऊपर 3 आएगा आर नॉट क्यू माइनस आर आई क्यू. हेयर अबव इज 2, सो यहाँ पर जो पावर आएगी नीचे वो 2 की आएगी. ओके, सो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं. हेयर ऑल्सो टी एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर इफेक्टिव इंटू डब्ल्यू, एंड हेयर आर इफेक्टिव इज मीन रेडियस, सो आर नॉट प्लस आर आई बाय 2. एंड द लास्ट पार्ट, सिक्स वन इज पावर लॉस इज सेम इन बोथ केस, टी एफ इंटू डब्ल्यू, that is radian per second in case. So this is same for both. Okay, तो आपको सिर्फ ये टेबल याद रखना है, नथिंग एल्स. उसके बाद कुछ जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स और हैं जो कि ज़रूरी हैं, सो लेट्स सी. ओके, सेवेंथ, इफ अ डायग्राम इज ड्रॉन, इफ दिस इज योर कॉलर, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इफ वी वांट टू शो द प्रेशर फोर्स. सो प्रेशर फोर्स इज लाइक दिस, कांस्टेंट प्रेशर फोर्स, राइट. बीच में तो शाफ्ट है तो वहाँ पर लग नहीं रहा है, सो कांस्टेंट प्रेशर फोर्स. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ इन दिस पार्ट, यहाँ पे कैसे बनेगा? नीचे मैक्सिमम मीन्स वेयर द रेडियस इज मिनिमम, प्रेशर इज मैक्सिमम, वेयर द रेडियस इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मिनिमम, समथिंग लाइक दिस, डिक्रीजिंग. ओके, सो इस टाइप से. नाउ जो डब्ल्यू मैक्स था हेयर, सॉरी, द शीयर फोर्स, शीयर फोर्स कहाँ पे इंड्यूस होगा कॉलर में? इस पार्ट पे, राइट, बिकॉज इस पार्ट यहाँ पे शीयर फोर्स इंड्यूस होता है. सो टाउ इंड्यूस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर आई टी. हेयर ऑल्सो टाउ इंड्यूस्ड इज डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर आई टी, बिकॉज द टोटल लोड इज टेकन केयर बाय दिस पार्ट, राइट. और जो शेयर एरिया है वो तो यही है ना, तो शेयर एरिया दोनों के लिए सेम है, तो टाउ इंड्यूस्ड विल बी लेस. अगर हमको डब्ल्यू मैक्स बाय शेयर से फाइंड करना है, सो यहाँ पर सेम रहेगा, 2 पाई आर आई इंटू टी इज द थिकनेस इंटू टाउ परमिसिबल एंड दिस इज सेम फॉर बोथ. सो डब्ल्यू मैक्स बाय जो शेयर आएगा वो सेम रहेगा, वो थ्योरी पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो टाउ परमिसिबल अगर सेम मटेरियल है तो सेम रहेगा. एंड द एरिया, द शेयर एरिया इज सेम इन बोथ केस, हेयर ऑल्सो शेयर एरिया इज दिस राइट, हेयर ऑल्सो दिस. सो वो डिपेंड नहीं करेगा. ओके सो ये शेयर डिज़ाइन हम फिर से देख लेते हैं बट शेयर एरिया पे वो डिपेंड नहीं करेगा. नाउ द शेयर, शेयर एरिया कौन सा रहता है? दिस इज द शेयर एरिया. इफ़ अगर हम इसमें देखें ये हमारा जो ये वाला स्मॉल सर्कल है दैट इज़ फॉर द शाफ्ट. अब जो अगर शेयर होगा तो इस वाले पार्ट से ही होगा, इस वाले पार्ट से राइट इस वाले पार्ट पे. ओके सो हेयर शेयर एरिया इज 2 pi r i इंटू टी, 2 pi r i इंटू टी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 2 pi r i इंटू टी. सो टाउ इंड्यूस्ड इज द टोटल लोड एक्टिंग अपॉन द शेयर एरिया एंड फॉर द सेम कंडीशन हमने सेफ कंडीशन दिस इज टाउ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू लेस देन टाउ परमिसिबल एंड डब्ल्यू ये सेम, मतलब ये मेरे को ख्याल से आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू फाइंड द डब्ल्यू मैक्स. ओके नाउ ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, हमने अभी देख लिया दैट द कॉलर दैट वी आर considering for the derivation is having two radius, but if you remember हमने एक flat pivot भी पढ़ा था right? Flat pivot. In the flat pivot, the inner radius or for flat one, the inner radius is 0 and outer radius is equals to r. So अब अगर uniform pressure theory and uniform wear theory पे कभी पूछ लिया गया so what is the r effective? R effective will be 2/3 into r and in uniform wear theory r/2. so ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मतलब डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें कुछ याद रखने का है नहीं. जस्ट जो r नॉट है r i है जो उसको 0 पुट कर देना है और r नॉट को r पुट करना है. ओके सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस. इसके अलावा तो कुछ थ्योरीज हैं, हम वो देखते हैं पहले, ठीक है. सो देयर आर सम कंक्लूजन इफ़ यू सी फ्रिक्शनल टॉर्क, इफ वी से फ्रिक्शनल टॉर्क इफ वी से फ्रिक्शनल टॉर्क बाय यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दैट इज इक्वल टू 2/3 μWr एंड फ्रिक्शनल टॉर्क बाय यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज μ into Rw/2. ओके इफ यू सी कंपेयर दीज टू एंड μ W R आर सेम सो वी से दैट फ्रिक्शनल टॉर्क बाय यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल टॉर्क बाय यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी बाय 33%. ओके ये हमने फ्लैट पिवट के लिए देख लिया. ओके एंड ये अगर हम नॉर्मल कॉलर बेयरिंग के लिए भी देखें एट दैट पॉइंट ऑफ ऑल्सो फ्रिक्शनल टॉर्क बाय यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी is always greater than frictional torque by uniform wear theory. This is always okay. So अभी हम पढ़ रहे हैं clutch, right? Clutch. In clutch, what is our aim? Aim is to power transmission. Power transmission means friction lining will transfer, okay? And friction lining ही torque आपका provide करेगा, so power transmission. So हमारा clutch का aim क्या है? Power transmission. So अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लेकर अगर हम डिफाइन करें, ओके यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लेकर अगर हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द क्लच दैट यू डिज़ाइन विल ट्रांसफर मोर पावर थ्योरेटिकली. ओके एंड इफ़ यू डिज़ाइन यूजिंग यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी द क्लच यू डिज़ाइन विल ट्रांसफर लेसर पावर विथ कंपेयर टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली क्या होता है दैट इज़ डिफरेंट. सो हम क्या करते हैं कि वी यूज़ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, हम लेसर, ओके मान लीजिए यू हैव टू ट्रांसफर 50 Newton पावर, ओके यू यूज़ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी बट एक्चुअल कंडीशन में यूनिफॉर्म वियर थ्योरी हो रहा है एंड 2/3 ऑफ 50 देखेंगे, अगर हम देखेंगे इज 33, एक्चुअल में अराउंड 33 Newton पावर ही ट्रांसफर कर रहा है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. बट ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन यू यूज़ यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, आपने यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी से क्लच डिज़ाइन किया दैट ट्रांसफर 50 Newton पावर बट इन एक्चुअल कंडीशन वो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कर रहा है और उसके हिसाब से वो 75 Newton meter पावर को ट्रांसफर कर रहा. सो विच वन यू विल प्रीफर, राइट? इफ़ यू प्रीफर द फर्स्ट वन then your design is failed because the required transfer is 50 Newton meter of torque, but actually that device is only transferring 33 Newton meter. But अगर हम second condition देखें, you have designed for the 15 Newton meter, but it can transfer up to 75 Newton meter, so it is safe design. So हम clutch के लिए कौन सा ये करते हैं हमेशा? यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ना बोला हो कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज करना है. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इज बियरिंग. ओके, मतलब बियरिंग पढ़ रहे हैं ना, सॉरी अभी हम बियरिंग पढ़ रहे हैं. सो फॉर क्लच वी आर गोइंग टू यूज दिस. क्लच का भी सेम है, क्लच में भी हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी करते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर क्लच. फॉर बियरिंग आवर एम इज to support and minimize frictional loss or power loss, you can say. So for that, the frictional torque should be less. Okay, so यहाँ पर हम uniform pressure theory use करते हैं because using uniform pressure theory you will get higher frictional torque, and higher frictional torque means higher power loss. So power loss मतलब bearing में क्या होता है? Power loss in bearing means this power loss will get converted into heat. Okay, and this heat will increase the temperature, and due to this temperature your bearing can get failed. Okay, so इसलिए हम जो bearing design करेंगे वो हम worst condition क्या होगी? Uniform pressure theory, because in through uniform pressure theory जो torque transfer आता है वो ज़्यादा आता है, but through uniform wear theory the torque transfer is less, means the power loss is less. So इस तरीके से. ओके, सो फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ बेयरिंग इट इज बेटर टू यूज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी बिकॉज पावर लॉस ऑकर इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. ओके, फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ क्लच दैट इज क्लच. ओके, इट इज बेटर टू यूज यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी बिकॉज प्रेशर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्लच सर्फेस. सो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम करते हैं. ओके, अगर हम एक इसका मैं आपको डायग्राम से भी बना सकता हूँ प्रैक्टिकली. ये तो थियोरेटिकली हो गया. लेट्स सी प्रैक्टिकली वी विल टॉक अबाउट द क्लच. ओके, एंड द सेम थिंग गोज फॉर द बेयरिंग. इफ यू सी इफ अ न्यू क्लच इज देयर, ओके, वेरी न्यू, दिस इज योर ड्राइवर पार्ट, दिस इज योर ड्रिवन पार्ट, ड्राइवर एंड ड्रिवन. सो इफ यू सी द प्रेशर here both surfaces are very even, okay, and very new, no wear is there. So ये जो इनका contact होगा बिल्कुल smooth होगा और बिल्कुल ideal होगा. So the at that time uniform pressure is in the contact area, but as चीज़ें क्या बोलते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये जो आपने देखा होगा जो टॉर्क हो, टॉर्क इज मैक्सिमम एट आर नॉट बिकॉज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके, सो ये तो नया क्लच है तो प्रेशर फोर्स इज कांस्टेंट, बट इफ यू सी द टॉर्क, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो टॉर्क इज मैक्सिमम एट आर नॉट, मैक्सिमम टॉर्क एट आर नॉट, दैट इज एट आउटर सरफेस. सो मैक्सिमम वियर इज ऑल्सो एट आर नॉट. सो जब ये थोड़ा पुराना हो जाएगा, थोड़ा वियर आउट हो जाएगा, सो योर ड्राइवर विल रिमेन सेम, एंड जो हमारा ये वाला पार्ट आएगा ये थोड़ा सा कुछ ऐसे आ जाएगा. ओके, ड्यू टू दैट द प्रेशर दैट गॉट इंड्यूस्ड इज लाइक दिस. इफ यू सी द प्रेशर इज मोर हेयर एंड लेस एट द पेरीफेरी. सो ये फोर्स इस टाइप से हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर ड्यू टू वियर फोर्स एट इनर आर इज मैक्सिमम एंड फोर्स एट आर नॉट इज मिनिमम, बट जो टॉर्क ये आर आई इंटू एफ आई वो सेम है दोनों के लिए. ओके, सो आपको ये चीज़ें समझनी है. मेरे ख्याल से आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, फिर से देख लेते हैं. पी इंड्यूस इज कॉन्स्टेंट फॉर द न्यूअर क्लच, ओके, फॉर द न्यू क्लच, and force are constant because the pressure are constant, force is constant, torque is maximum at r0 and minimum at ri in this condition. Okay, so maximum wear is at r0 and minimum wear is at ri, hence after some time shape of frictional liner become as shown in old clutch like this. And why this will happen? So that योर आर आई इंटू एफ आई इज कॉन्स्टेंट, सो आफ्टर दैट ये जो है ये फोर्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज, तो ये तो हमें पता है कि बाद में ऐसा होना है। एंड वी नो दैट अगर मान लीजिए 10,000 किलोमीटर लाइफ है, सो आफ्टर 1,000 किलोमीटर it will behave like uniform wear theory, so why not we design based on the uniform wear theory, so इसलिए हम ये करते हैं, ठीक है। एंड बियरिंग में हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्यों करते हैं वो आपको पता ही है। सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, ओके। योर पावर ट्रांसफर इज 5 किलोवाट, आरपीएम इज 2000 RPM, म्यू इज your coefficient of friction 0.25, inner radius is 25 mm, the maximum pressure that can be induced using uniform pressure theory is 1 MPa. so we have to find the r naught, okay, now we have to find the r naught. so first of all power is equals to torque into omega, so power is given 5000, okay, torque is not given, omega is given 2 pi n, n is 2000/60, so from here you will get torque is equals to 23.87 Nm. now we know that using uniform pressure theory torque is equals to 2/3 μW r naught cube minus r i cube upon r naught square minus r i square. यहाँ पर हमको क्या क्या पता है, r naught नहीं पता, सॉरी हमें r i पता, r i is we know, 2/3 is known, torque is known, but r naught and w is not known, the load, w is the load. so we know that p maximum is given, p maximum using uniform pressure theory is w upon pi r naught square minus r i square. so हमें वर्स्ट कंडीशन के लिए फाइंड करना है, ओके। सो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ जाएगी, p max इंटू पाई इंटू r naught square माइनस r i square, यहाँ से हम w फाइंड करेंगे, देन यू पुट w हेयर, ओके, देन यू पुट w हेयर, एंड जब हम वहाँ से, एंड वी नो द टॉर्क, वी नो दैट, फिर नो एवरीथिंग, सो जो आर नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 39.4 mm, सो वी कैन से हम 40 mm तक ले लेंगे, ओके, थोड़ा सा बड़ा करके ले लेंगे, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ ये सिंगल कॉलर पे था, मतलब कॉलर पे। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, सिंगल प्लेट क्लच, बेस्ड ऑन अ सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच हैज़ अ म्यू, mu is equals to, that is coefficient of friction 0.3, outer diameter is 200 mm, inner diameter is 100 mm, p max that can be transferred 1.5 MPa. using uniform wear theory find the maximum torque transmitted, so we have to find the torque only. so we know that torque is equals to mu into r effective into w, and uniform wear theory r effective is r naught plus ri by 2 into w. now क्या क्या चीज़ हमें पता है, वी नो म्यू गिवन, आर नॉट गिवन, आर आई गिवन, 2 गिवन, डब्ल्यू गिवन नहीं है, सो डब्ल्यू फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा, डब्ल्यू यूजिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, डब्ल्यू हमारा क्या आता है, पी इंटू 2 pi r इंटू आर नॉट माइनस आर आई। सो हेयर वी विल सी, वी विल टेक डब्ल्यू मैक्स और डब्ल्यू मिनिमम, ऑफकोर्स डब्ल्यू मैक्स, राइट। सो यहाँ पर जो आर लेंगे हम, डब्ल्यू मैक्स कहाँ पे आता है, व्हेन पी इज, सॉरी जस्ट वेट, वी नो दैट पी मैक्स यूजिंग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, पहले तो मैंने थ्योरी का नाम गलत लिख दिया था, पर सॉल्व हम दूसरी उसी थ्योरी से कर रहे थे। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी पी मैक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 2 pi, यहाँ पर आर आई होता है, राइट, आर एट आर आई इज पी मैक्स, आर नॉट माइनस आर आई। so using p max we will find ri, we will find w, so यहाँ से हमें w आ गया, that is 2356.1 something Newton, okay, when you will put w here you will get t is equals to 530.14 Nm. so these type of question had been asked in GATE engineering services, क्योंकि इसमें engineering services में भी इसलिए पूछा जाता है because calculation is not more, तो इस type of question पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। so please try to solve as many question as possible in machine design, okay. now मैंने आपको बोला था when w is increasing and there is constraint then we are using multi collar bearing, right, and similarly multi clutch bearing, multi clutch हम use करते हैं, okay, clutch में जब हम clutch पढ़ेंगे after bearing, so multi collar bearing, मल्टी कॉलर मीन्स नंबर ऑफ कॉलर, वन फर्स्ट कॉलर, सेकेंड कॉलर, थर्ड कॉलर इज मोर greater than 1. Now inner radius is Ri, outer radius R0. Now W is your force load that is acting, radial we can say axial load. So we know that as W is load is increasing and radial space is constant, number of collar should increase. So यहाँ पर number of collar increase कर दें if radial space is constant. Okay, so N is equal to number of collar, W is the total axial thrust. So load on each collar will be, if load is distributed equally, so W collar will be, means W collar means load bared by each collar. So that is the total load upon number of collar. Now bearing, we know that bearing is defined by or designed by uniform pressure theory. So P induced, what is the P induced? P induced is W collar. ओके क्योंकि अब हमको पता चलेगा कि लोड एक कॉलर पे कितना लग रहा है, सो हम सिर्फ एक कॉलर को डिजाइन करेंगे, सारे कॉलर को एक साथ डिजाइन नहीं करेंगे ना. सो W कॉलर अपॉन पाई इंटू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. सो P इंड्यूस्ड इज इक्वल टू W कॉलर हमारा क्या है, W बाई एन, दैट इज W इज योर कंप्लीट लोड. सो W अपॉन एन पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. नो यहाँ से सेफ कंडीशन क्या होगा, दैट P इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन P परमिसिबल. सो P परमिसिबल, P इंड्यूस्ड क्या है, W अपॉन एन पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. P परमिसिबल, sorry for the bad writing. So your W max will be is equals to N pi P permissible R naught square minus R I square. Okay, so इस तरीके से similarly the frictional torque that you are transferring here the is equals to the total frictional torque transferring is equals to N number of collar into torque transfer by one collar. So torque transfer by one collar is equals to 2/3 म्यू W कॉलर इंटू आर नॉट क्यू माइनस आर आई क्यू इंटू एन. नाउ अगर हम यहाँ पर W कॉलर को हमें क्या लिख सकते हैं, एन बाई 2/3 म्यू W बाई एन इंटू आर नॉट क्यू माइनस आर आई क्यू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. वाई वी यूज दिस 2/3 आर नॉट क्यू माइनस आर आई क्यू अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर बिकॉज वी आर यूजिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. ओके सो दिस एन एन गेट कैंसल. सो वी सी दैट योर टॉर्क will remain same. Torque does not depend upon number of collar. Okay, so torque transfer by single collar bearing is equals to torque transfer by multi collar bearing. Okay, so power loss यहाँ से वही हो जाएगा. Power loss will be also same because power loss depend upon torque and omega. So if omega means RPM is same, your power loss will remain same. Okay, so अगर हम यहाँ पर single collar देखें, single and multi. So here W collar is load acting on a single collar is equals to W, here W by N because multi collar. Okay, here P induced, pressure induced is P, here it will be P/3. You see ना P नीचे यहाँ पर if you यहाँ पर P induced, यहाँ पर नीचे N आ गया. So P induced is P/3. Frictional torque is T, here also T. Power loss is P dash. If we say here pressure को हम P से कर रहे हैं तो यहाँ से P dash, here also P dash. And shear force induced is tau, here tau/3 because जो area है ये वाला area shear area वो increase हो गया है. So if thickness of the single collar bearing and multi collar bearing is same तो वहाँ पर tau/3 हो जाएगा. Okay, so let's solve a question. Design a multi collar bearing where W is 20 ton. Okay, 20 ton. Outer radius is 42 centimeter. Inner radius is 30 centimeter. P maximum pressure, this is pressure induced is 0.7 megapascal and tau permissible is 20 megapascal. So now we have to design. So हमें find ही करना number of collar. Number of collar we have to find. So first of all we know that P permissible, which theorem, uniform pressure theory use करेंगे, should be less than, P permissible should be greater than the induced one. So W collar upon pi R naught square minus R I square. Okay, so here P permissible, so W collar को मैं क्या लिख सकता हूँ, W by N pi R naught square minus R I square and P permissible. So N should be greater than W upon दैट इज W तो हमें पता ही चल गया, सॉरी वैल्यू पुट कर देता है डायरेक्ट। W इज 20 टन, सो 10 × 3 × G भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि टन में है तो हमें न्यूटन में चाहिए। योर P परमिसिबल इज 0.7 मेगा पास्कल, सो 0.7 ही रहने दूंगा मैं, इंटू पाई इंटू जो ये वाला पार्ट है R0² - R², इसको हम mm में पुट करेंगे। सो mm में देखेंगे तो 42, सो 210 mm R0 एंड RI इज़ 1500 mm, सो यहाँ पर आ जाएगा 210 का स्क्वायर - 1500 का स्क्वायर। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी n की दैट इज़ ग्रेटर देन 4.13, सो हम 4.13 तो रख नहीं सकते, 4 भी नहीं रख सकते, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, नाउ वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द थिकनेस, क्योंकि थिकनेस गिवन नहीं था। सो वी नो दैट शीयर, यूजिंग शीयर कंडीशन W collar अपॉन 2 pi RI × T शुड बी ग्रेटर देन 20। अब ये 20 क्या है, 20 यहाँ पर देखो जो ये टाउ परमिसिबल है 20 मेगा पास्कल, उससे बड़ा होना चाहिए। अब ये 20 मेगा पास्कल है, सो नीचे सब कुछ mm में रहेगा, सो ऊपर आ जाएगा 20 × 10³ × 9.81 अपॉन 2 pi RI की वैल्यू 150 पता है हमें, टी की वैल्यू नहीं पता है अभी हमें, सो टी हमें फाइंड करना है, और इधर 20, सो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी आएगी 2.1 mm, सो यू टी की वैल्यू 2.1 mm, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 2.08 आएगी, बट अगर हमें 2.1 2.2 भी आप पुट कर सकते हैं। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस कॉलर बेयरिंग इज कोनिकल कॉलर बेयरिंग। कोनिकल, अभी तक हमने देखा दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, अगर ये स्लैंट हो जाए सो दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो वो जो बनाता है अल्फा दैट इज नोन एज सेमी कोन एंगल। ओके, सेमी कोन एंगल। सो देखते हैं इसमें भी सेमी कोन कॉलर बेयरिंग सेमी कोन एंगल, दिस इज इनर रेडियस RI, आउटर रेडियस इज R0 नाउ, बट द विड्थ, इनिशियली द विड्थ जो हम उसमें था B = R0 - RI, बट नाउ यू सी विड्थ विल चेंज, विड्थ इज R0 - RI अपॉन साइन अल्फा। ओके, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ओके, देखो इफ यू सी ना, दिस इज योर R0 - RI, ओके, दिस इज अल्फा एंड दिस इज योर विड्थ, नॉट दिस एरिया इज विड्थ, राइट, दिस नॉट दिस एरिया, दिस एरिया इज विड्थ, दिस, सो B = R0 - RI अपॉन साइन अल्फा। ओके, सो यहाँ पर जो हम लोडिंग कंडीशन देखेंगे, लोडिंग कंडीशन, योर लोड on this elemental area is acting in this direction, but the reaction force is always perpendicular to the surface. This is always perpendicular, so Rn is perpendicular, so we can write that Rn sin alpha is equals to dW, so the reaction force is equals to dW by sin alpha, right, क्योंकि reaction force is always perpendicular to the given surface. So यहाँ पर जो reaction force है वो क्या आ जाएगा, जो वो एलिमेंट है, एलिमेंटल एरिया जो लोड ले रहा है अपॉन साइन अल्फा, सो रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन योर दैट इनपुट इज इनपुट, सॉरी आउटपुट, द रिएक्शन फोर्स इज आउटपुट, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, इनपुट क्या है dW, क्योंकि यहाँ पर एंगल आ रहा है। ओके, और वो कैसे रिलेशन है उसका, उसका साइन अल्फा में रिलेशन है। ओके, सो योर R n = dW बाय साइन अल्फा, राइट। अब हम जब फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू μ × Rn, सो μ × dW अपॉन साइन अल्फा, और फ्रिक्शनल फोर्स को मैं क्या लिखता हूँ, μ/sin α × dW। सो यहाँ से जब हम डिराइव करते हैं, सो वी सी दैट फॉर फ्लैट, फ्लैट कोन हम μ लेते हैं, राइट, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर कोन हम μ/sin α लेते हैं। सो यहाँ से जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, देखिए, फॉर मल्टी कॉलर बेयरिंग टॉर्क इंड्यूस्ड विल बी 2/3 μ/sin α × W R0³ - RI³ अपॉन R0² - RI²। P इंड्यूस्ड में म्यू आता है, नहीं आता है, सो W/n/R0² - RI²। सो यहाँ पर जो म्यू को हम μ/sin α से रिप्लेस करते हैं। ओके, यू कैन डिराइव इट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो इस टाइप से ये टॉपिक खत्म होता है, पर यहाँ पर एक नोट है छोटा सा, लेट्स सी, we know that we do not prefer bearing as a cone shape because if you see here ना, मैंने क्या बोला, we do not we do not prefer bearing as cone shape. We do not prefer conical collar bearing. Why? Because if you see now, mu upon sin alpha is greater than mu, right? So torque induced by cone is normal torque जो हमारा induced होता है. So power loss in the given condition is more. But अब यहाँ पर हम देखते हैं, sometime हम avoid नहीं कर सकते हैं, sometime हमें cone bearing use करना पड़ता है. Okay, so तब क्या करें? So at that time for bearing, at that time हम क्या करते हैं, ये हमने एंगल अल्फा देखा था, राइट? सो द होल एंगल विल बी 2 अल्फा. सो वी प्रीफर फॉर बेयरिंग 2 अल्फा शुड बी इन बिटवीन 120 डिग्री टू 160 डिग्री. ओके, ये 180 डिग्री नहीं हो सकता है, राइट? 120 डिग्री टू 160 डिग्री मीन्स ये 120 डिग्री मतलब क्या होगा, हाफ करेंगे तो 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री यहाँ पर 80 डिग्री. सो ये नॉर्मल है, हम बहुत ज़्यादा स्लैंट नहीं करें. दिस इज़ नॉट प्रीफर. ओके, दिस वन इज नॉट प्रीफर्ड. प्रीफर्ड वन इज लेस स्लैंट, समथिंग लाइक दिस. अगर हमें स्लैंट करना है तो हम कम स्लैंट करेंगे, बिकॉज साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी, साइन 80 डिग्री तो साइन 90 डिग्री के पास आ गया, साइन 60 डिग्री और साइन मतलब 1 से ज़्यादा. अगर मैं साइन 20 डिग्री रखूँ तो ये बहुत कम होता है 1 से. So we know that mu sin 60 degree is less than mu sin 20 degree. So इस कंडीशन में sin 60 डिग्री वाले कंडीशन में टॉर्क ट्रांसफर, जो टॉर्क आएगा फ्रिक्शनल टॉर्क, वो कम आएगा. ये बेयरिंग के लिए हो गया, बट हमने क्लच का भी पढ़ा था. सो फॉर क्लच भी देख लेते हैं एक बार, क्लच के लिए क्या कंडीशन है अगर क्लच में हमें करना ही है तो. फॉर क्लच वी वांट दैट टॉर्क ट्रांसफर शुड बी मोर. And we know that torque transfer is directly proportional to mu, so mu should be more. And we know that mu by sin alpha is greater than mu, so mu by sin alpha is a favorable condition. So यहाँ पर जो 2 अल्फा की value है वो generally 15 degree to 30 degree होती है. Okay, so मतलब यहाँ पर जो surface रहेगा वो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही slant रहेगा. Okay, something like this. बहुत ज़्यादा स्लैंट भी नहीं कर सकते 15 डिग्री से, क्योंकि फिर ये जो एरिया है वो जो उस ये एक और जो सरफेस यहाँ पर बनेगा कॉन्टैक्ट सरफेस वो नहीं बन पाएगा, राइट? सो इसलिए ताकि हम क्लच में क्यों ये प्रीफर करते हैं, ताकि हमारा टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि क्लच हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ना. सो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, टॉपिक में थ्योरेटिकल पार्ट हमने बहुत कुछ कवर किया है. सो जस्ट एक सजेशन है कि इस टॉपिक को प्लीज़, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और प्लीज़ ट्राई टू मेक नोट्स. जो मैंने चीज़ें बोली हैं और मेरे जो नोट्स हैं, अगर आप टारगेट IAS से ले रहे हैं तो प्लीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें बताएंगी. ओके, और आपको, आपके लिए काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी. ओके, सो होपफुली आपको चीज़ समझ में आई हो. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा जर्नल बेयरिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, और बेयरिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक गेट मतलब मशीन डिज़ाइन में देखेंगे तो 30 to 40% जनरल जो बेयरिंग है पूरा पार्ट कवर करता है. ओके, सो फर्स्ट हम बेयरिंग कवर करेंगे, देन वी विल गो टू क्लचेस एंड देन ब्रेक्स और फिर उसके आगे क्या. ओके, जिस तरीके से हमने